Before we start a video, let me brief introduction about me, myself Sunil Yadav, CMD and Chief Educator at Devat KTC, which is India's first free gate coaching institute. Having 4 plus years teaching experience, I have secured All India rank 112 in gate 2020. Feel free to contact us on these details if you have any query. Good morning, dear gate aspirants, myself Sunil Yadav. वेलकम टू देवत गेट इजी। आज 5 सितंबर है, टीचर्स डे है, तो मेरे सभी गुरुजनों को आज शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने शिक्षक दिवस पे ही एक छोटी सी कविता लिखी थी, तो मैंने सोचा कि ये आप लोगों के समक्ष हमारे ये कविता जो है हमारे सभी गुरुजनों को समर्पित है। और इस कविता से कहीं ना कहीं आप लोग अगर सीखना चाहें तो सीख ले सकते हैं। जो मैंने सीखा अपने जीवन में वो मैं आपको बताता हूँ कि मैं तो था बदमाश पंछी, पंजुओं पर चल रहा था। जैसे बदमाश पंछी होता है वो पंजू पर चलने लगता है, जबकि उसको पता होता है कि उसके पंख हैं, लेकिन एक बदमाशी का समय होता है जब आप बचपन में रहते हैं या जब आप इमेच्योर रहते हैं, तब आपके अंदर वो पंछी का गुण रहता है कि मैं तो था बदमाश पंछी, पंजुओं पर चल रहा था, मैं तो था नादान प्राणी, कश्तियों में बह रहा था। समय था मदमस्त और मैं भी मस्त होकर चल रहा था। एक्चुअली ऐसा होता है लगभग बच्चों के साथ, जब उनका एक करियर बनाने का समय होता है उस वक्त उनका मदमस्त होने का भी समय हो जाता है, और यही है जो बच्चों को डिफ्लेक्ट कर देता है। और ऐसे ही समय पे किसी एक इंसान की, किसी एक भगवान की, किसी एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता होती है जो आपके करियर को सही डायरेक्शन में ले जाके रख सके। तो मैं तो था बदमाश पंछी, पंजुओं पर चल रहा था, मैं तो था नादान प्राणी, कश्तियों में बह रहा था। समय था मदमस्त, मैं भी मस्त होकर चल रहा था, ये मुझे मालूम ना था आंधियों में फंस रहा था। लोग मुझ पर हंस रहे थे, मैं भी उन पर हंस रहा था। मैं तो था बदमाश पंछी, पंजुओं पर चल रहा था। मुझे मालूम नहीं था कि मैं आंधियों में फंस रहा था। हर एक स्टूडेंट को नहीं मालूम होता कि वो किस तरीके से फंस रहा है, किस जाल में फंसता जा रहा है। इसीलिए कहा गया है कि शिक्षक की आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तभी आप सही डायरेक्शन में जा सकते हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मय श्री गुरुवे नमः। गुरु का जो एक सम्मान है वो अलग है। जब मैं बदमाश पंछियों की तरह उड़ रहा था, ये पंजुओं पर चल रहा था, टहल रहा था, बदमाशी कर रहा था, मदमस्त था, उस वक्त क्या हुआ कि मुझ परिंदे पर किसी की पड़ गई पैनी नजर। जिसको उड़ना है गगन में, चल रहा है पंजुओं पर। जिसकी नजर मुझ पर पड़ी, उसने ये सोचा कि यार इस जो पंछी है इसको तो आसमान में उड़ना चाहिए और ये पंजुओं पर चल रहा है। इसको अपनी जो अहमियत है, जो अपनी औकात है, वो पता ही नहीं कि मैं क्या चीज हूं। कि मुझ परिंदे पर किसी की पड़ गई पैनी नजर, और जिसको उड़ना है गगन में, चल रहा है पंजुओं पर। थोड़ा सा सख्ती दिखाई, थोड़ा सा नरमी दिखाकर, आसमां छूना सिखाया अपने कंधों पर बिठाकर, तब से लेकर आज तक, उनको नमन मैं कर रहा हूँ। मैं वही बदमाश पंछी आसमां में उड़ रहा हूँ, तो जैसे ही टीचर की एंट्री होती है आपकी लाइफ में, आपकी जो अहमियत है वो बढ़ जाती है, आपकी जो क्वालिटी है वो बढ़ जाती है। बस आपको भरोसा रखना होगा सही टीचर पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज हमारे देश को क्या चाहिए? आज हमारे देश को सही आचार्य चाणक्य की ज़रूरत है। यहाँ पर चंदुओं की कमी नहीं है जिन्हें चंद्रगुप्त बनाया जा सके, सम्राट अशोक की कमी नहीं है, बस जरूरत है तो एक आचार्य चाणक्य की, एक अच्छे आचार्य चाणक्य की। और जब भी आपके जीवन में कोई अच्छे आचार्य चाणक्य मिल जाए, तो उन पर आंख बंद करके भरोसा रखिएगा, क्योंकि वो आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाएंगे। इसी का नाम होता है गुरु।
तो मेरे गुरुजनों को मेरी तरफ से आज शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और इसी के साथ मैं लेता हूं अलविदा। जय हिंद।